हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टेक्निकल फिक्स चैनल। आज की इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट ऐड करेंगे एंड्रॉयड मोबाइल में विदाउट आउटलुक एप्लीकेशन के या किसी भी दूसरी एप्लीकेशन के। आप अगर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट ऐड करना चाहते हैं एंड्रॉयड मोबाइल में, तो आप डायरेक्ट जीमेल की जो डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन होती है वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट ऐड किया जाता है एंड्रॉयड मोबाइल में। आपने सबसे पहले मोबाइल में जीमेल ऐप ओपन करनी है। इसके बाद ऊपर प्रोफाइल लोगो पर क्लिक करना है। नीचे आपको सबसे ऐड अनदर अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ क्लिक करना है। यहाँ पर अपने आउटलुक, हॉटमेल एंड लाइव पर प्रेस करना है। जैसे ही उसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, साइन इन पेज ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पर अपना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट टाइप करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर अपना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट टाइप कर देता हूँ जो मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ। इसके बाद टाइप करने के बाद आपने यहाँ पर नीचे से नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आपने पासवर्ड देना है, और पासवर्ड देने के बाद आपने यहाँ पर साइन इन करना है, और इसके बाद आपने यहाँ से यस बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ से यस करेंगे तो आपका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट ऐड हो जाएगा आपके एंड्रॉयड मोबाइल में। यहाँ पर आप नोटिफिकेशन की टाइमिंग वगैरह सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऊपर ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा जो भी सेटिंग है आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपके सामने डिस्प्ले नेम और अकाउंट आ जाएगा। आप यहाँ से भी नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है वो हमारे मोबाइल में ऐड हो चुका है। नीचे आप देख सकते हैं कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट जीमेल एप्लीकेशन में ऐड हो चुका है। तो आपको इस तरह से जीमेल के अलावा कोई भी दूसरी एप्लीकेशन इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं। तो आप इस तरह से बहुत आसानी से माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट ऐड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।